हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज फुजैलन मलिक एंड आई एम फ्रॉम A1 कोचिंग। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में जो बात की थी वो प्रकाश का परावर्तन था, बट अब हम जो इस वीडियो में बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन, जो कि साइंस का है, फिजिक्स चैप्टर प्रकाश का, यूपी बोर्ड 10th। तो आज हम बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, पहले ऐसे समझ लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश यानी कि जो लाइट है किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है, मतलब जो है जो लाइट की जो स्पीड है वो हमारी स्लो हो जाती है, ठीक है। और क्या होती है उसको हम करके देख लेते हैं, फिगर में समझेंगे। तो मान लिया ये हमारा कांच है, ये हमारा एक कांच है, और कहीं से यानी कि मान लीजिए हमारी कोई भी एक रोशनी है, सूर्य की किरण मान लीजिए, लाइट मान लीजिए, मतलब कोई भी लाइट है, यह हमारी कोई भी लाइट है, और यहां से एक प्रकाश की किरण आ रही है। इस पे प्रकाश की किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है, मतलब किरण आपतित हो रही है। तो ये इस किरण का क्या नाम होगा, हमने पिछले वीडियो में जब प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे उसमें हम निकाले जब कोई प्रकाश की किरण किसी सरफेस किसी समतल प्लेट पर पड़ती है तो क्या होती है, आपतित किरण होती है। तो ये हमारा कांच है, इस पे ये प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये हमारी कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण, आपतित किरण। ओके फ्रेंड्स, तो जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है किसी कांच पर तो वो निकलनी चाहिए ऐसे, निकल रही है सीधा तो सीधा निकलनी चाहिए, लेकिन जो ये हमारा कांच है इसकी वजह से हमने एक अभिलंब खींच लेते हैं, जैसे कि उसमें हमने खींचा था, मान लेते हैं ये हमारा N है और ये हमारा M है और ये हमारा M डैश और ये हमारा N है यानी कि अभिलंब और ये हमारा N डैश। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा M है, ये हमारा M डैश है, ये हमारा माध्यम, इसको हम विरल माध्यम ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो खाली हवा आती है उसको हम विरल माध्यम कहते हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब जाती है, सघन माध्यम मान लिया हमने, ये सघन माध्यम। ओके फ्रेंड, तो आपतित किरण कांच की वजह से अभिलंब की ओर झुक जाती है, इसको हम मान लेते हैं M डबल डैश। ओके फ्रेंड, इसको हमने क्या मान लिया, M डबल डैश। तो ये जो किरण आई है इस किरण को हम अपवर्तित किरण कहते हैं, जो कि कांच की वजह से अभिलंब की ओर हल्की सी झुक जाती है, तो इस किरण को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी ये कौन सी किरण हो गई, ये हमारी अपवर्तित किरण हो गई। पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन था, तो वो सीधा उसी दिशा में चली जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। और ये किरण क्या है, ये हमारी अभिलंब की ओर झुक रही है, तो इसलिए हमारा ये अपवर्तित किरण हो गई। ओके फ्रेंड, तो अब इसके बीच हमारे क्या दो कोण बन रहे, एक हमारा एक एंगल जो बन रहा है वो हमारा ये है स्टूडेंट, एंड एक ये है। तो ये जो एंगल हमारा, ये जो कोण है, ये क्या है, इसको हम कहते हैं आपतित किरण तथा खींचे गए अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई से, जैसा कि आप जानते हैं। और ये जो कोण बन रहा है इसको क्या कहते हैं, इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी, अपवर्तित किरण तथा खींचे गए अभिलंब के बीच बने कोण, बने एंगल को हम अपवर्तन कोण कहते हैं, और इसको हम R से डिनोट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई, अपवर्तित किरण तथा खींचे गए अभिलंब के बीच बने कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं, और इसे हम R से डिनोट करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। और इसको हम कैसे समझ सकते हैं, एक एग्जांपल हम मान लेते हैं, एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एक कांच का गिलास है, ये कांच का गिलास है, और इसमें हमने क्या रखा है, पानी रखा है, पानी भरा हुआ, और आप लोगों ने देखा भी होगा जब इसमें हम स्ट्रॉ डालते हैं, एक ये हमारा क्या है, स्ट्रॉ है जो पानी हम पीते हैं इससे, और ये क्या करता है, हल्का सा हमें तिरछा दिखाई देता है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने क्या डाला, एक स्ट्रॉ डाला, ये हमारा स्ट्रॉ है, ये हमें कैसे दिखाई देता है, तिरछा। आप घर में जब देखेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अपवर्तित किरण या प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इसको जाना ऐसे चाहिए, लेकिन ये अपनी अभिलंब की ओर हल्का सा मुड़ गई। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। अब इसमें आता है अपवर्तन का
नियम, अपवर्तन का नियम, जैसे प्रकाश का परावर्तन का नियम था उसी तरह हमारा अपवर्तन का नियम। और ओके स्टूडेंट, तो इसमें दो नियम आते हैं इसमें भी, जैसे कौन कौन से देख लेते हैं। पहला, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण हमेशा सदैव बराबर होगा, यानी कि I इक्वल टू R होगा। हमने पिछली वीडियो में बताया था, फिर बता रहे हैं कि अगर 30 डिग्री हमारा I है तो हमारा R भी कितना डिग्री होगा, 30। अगर हमारा I 45 डिग्री है तो हमारा R कितना होगा, 45। यानी कि ये हमेशा इक्वल ही होंगे, कभी भी ऊपर नीचे हो यानी कम ज्यादा नहीं हो सकता। सो स्टूडेंट, और इसका दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम यह है, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब हमेशा एक ही बिंदु पर मिलेंगे, और इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहते हैं। तो दूसरा नियम क्या हो गया इसका, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा खींचा गया अभिलंब एक ही बिंदु पर मिलेंगे, जिसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। ये कभी अलग नहीं हो सकता कि आपतित किरण यहां हो गई, अपवर्तित किरण यहां होगी और खींचा गया अभिलंब हमारा यहां हो गया, नहीं, एक ही बिंदु पर मिलेंगे, तभी हमारा प्रकाश का अपवर्तन पूरा कंप्लीट होगा। और इसमें एक चीज और है, यानी कि ये जो कोण है इसका साइन, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि इसकी जया और आर की जया का अनुपात इक्वल होगा, यानी कि इसको नियतांक बोल सकते हैं, नियतांक होगा, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियतांक, मतलब ये नियत होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगी इसकी हमेशा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एक नियतांक या कांस्टेंट। इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, स्नेल का नियम भी कहते हैं, और ये क्या हो गया हमारा, प्रकाश का अपवर्तन हो गया। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी प्रकाश का परावर्तन की, इस वीडियो में हमने बात करी है प्रकाश का अपवर्तन की। तो फ्रेंड्स, अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ भी कमेंट करें, क्वेश्चन करें, कोई दिक्कत नहीं है। और भी हम इसमें की वीडियो बनाएंगे, अभी प्रकाश का हम और भी चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको कोई इसमें से वीडियो हमें बनवानी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और उस पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे, आपके लिए हम वीडियो अलग अलग लाते रहेंगे। थैंक यू।